बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला उसके महबूबीन के फजल व करम से रमज़ान मुबारक। इस बाबरकत महीने में साले रहमान वेलफेयर की जानिब से 100 रोज़ेदारों तक इफ्तार पहुँचाया गया। वो तमाम हजरात जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला आप सबको जजाय खैर अता फरमाए और अपने कुल जहानों के ख़जानों से नवाजे। आप सबकी नेकियों को कबूल फरमाए और इसी तरह आपको अपनी मखलूक की आफियत का जरिया बनाए रखे। आज ईद का पहला दिन और मैं इस व्लॉग का वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, और आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना लेट क्यों कर रही हूँ, जबकि ये रमज़ान मुबारक का जो है वो व्लॉग है वो इसलिए कर रही हूँ कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वीडियो एडिट कर ली थी लेकिन व्लॉग एडिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। 13 अप्रैल को बिलाल की बर्थडे थी और ये 13 अप्रैल का ही व्लॉग है। 23 रमज़ान मुबारक को साले रहमान वेलफेयर की जानिब से इफ्तार एहतमाम का इंतज़ाम किया गया, और इस बार मेरा बहुत दिल था कि हम इफ्तार बॉक्सेस पे जो हैं वो स्टिकर्स लगवाएं लोगों के साथ साले रहमान वेलफेयर के, बट मामा ने कहा कि खाने के बाद जो है ये बॉक्सेस वेस्ट कर देने हैं सब ने, तो इससे बेहतर है कि आप लोग रहमान लिखेंगे और बेअदबी होगी तो #SRW से काम चलाया जाए। लिहाजा 100 इफ्तार बॉक्सेस पे #SRW लिखने की जो जिम्मेदारी थी वो मेरी थी, और मैं अपना फरीजा था अंजाम पहुँचा रही थी। सब अपने अपने काम जो है वो साथ साथ कर रहे थे यहाँ पर, और तमाम वो लोग जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोग यकीन करें कि अल्लाह ताला ने सोच से बढ़ के हमारे मेन्यू को इतना खूबसूरत बना दिया था कि हमने सोचा भी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि इतना खूबसूरत मेन्यू था। मेन्यू में हमारे पास चिकन पुलाव था, ज़र्दा था, रोल थे, फ्रूट्स थे और खजूरें थी, पानी था, बहुत कुछ था, और जितना यानी कि शुक्र अदा करें उतना कम था। और अल्लाह ताला और उसके महबूबीन के फजल करम है, ये आप सबका ताऊन है, ये साले रहमान वेलफेयर के साथ जिस तरह से आप लोग शुरू से जुड़े हैं, बस आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्तों में भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल कीजिएगा और अल्लाह ताला की और उसकी महबूबीन की रज़ा हासिल कीजिएगा। तो ये मुकम्मल इफ्तार पैक कुछ इस तरह से डिलीवर किया गया था, यह मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। कुछ इस तरह से फ्रूट डाले गए थे माशाल्लाह से, और साथ में एक पानी की बोतल थी, और कोशिश बस ये थी कि जल्दी जल्दी सारा काम किया जाए। हमारे वॉलंटियर्स में इजाफा हो गया, जैन आया। जैन क्या करवाने आए हो? जैन डर की क्यों बोल रहे हो? जो बोलो कल कराने आए हैं। जैन जी हमारा भांजा भी लगता है और भतीजा भी लगता है, और कुरान भी हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर जुनेद और बिलाल जो हैं वो रिक्शा ले आए थे, इफ्तार पैक्स जो हैं वो रिक्शे में लिखवाए जा रहे थे, और साथ साथ टाइम का बहुत ध्यान रखा जा रहा था क्योंकि हम बहुत कम लोग थे और काम बेइंतहा ज़्यादा था। तो बस यही कोशिश थी कि इफ्तार से कुछ अच्छे टाइम पहले जो है इसको हम डिलीवर कर दें ताकि रोज़ेदार तक बख़ैर आफ़ियत ये चीज़ पहुँच जाए। बिलाल के चैनल को भी सपोर्ट करें, बिलाल खान एंटरटेनमेंट के नाम से इसका चैनल है। हाँ ये हमारा सबसे छोटा वॉलंटियर्स जिसे कहते हैं वॉलंटियर। अभी ना एक बात यहाँ पर है कि लोग कहते हैं कि ये मामा मेरी बता रही हैं कि साले रहमान जो है वो इसकी नानो भी लगता है। ठीक है, ये कुछ इफ्तार पैक्स जा चुके थे, कुछ यहाँ पे रह चुके थे, और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे मज़ीद इसका वॉइस ओवर कर सकूँ, लेकिन मेरी आज पूरी कोशिश है कि मैं इसकी वॉइस ओवर कंप्लीट करके और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग न्यू व्लॉगिंग की तरफ आएँ और हम रेगुलर व्लॉग्स बनाएं। रक्षा जा चुका था, बिलाल और जुनेद और जैन जो है वो बाइक पर गए थे, यहाँ पे ये इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। माजरत इतने सारी मिस्टेक्स के लिए, बट सीरियसली आप सबकी दुआओं की ना अशद ज़रूरत है। जितना हो सके ना हमें दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला दाइमी जिस्मानी रूहानी सेहत कामला अता फरमाए तमाम बीमारों को, और जल्द से जल्द जो है दोबारा से ढेर सारा स्टैमिना अता फरमाए, ढेर सारी जो है हिम्मत हौसला अता फरमाए, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहा करें। आप लोगों का सपोर्ट करना ना बहुत हिम्मत बढ़ाता है। यहाँ पे हमारा इफ्तार जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा था। वॉलंटियर्स जो हैं कि बॉक्सेस मैंने रखे हुए थे, बिलाल की बर्थडे थी जैसा कि आप लोग को बताया था, तो लास्ट में हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। ब्लॉग को काइंडली शेयर कीजिएगा, बहुत सारी मोहब्बत दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।